महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर महाअघाड़ी में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चाचा भतीजे की सीक्रेट मुलाकात पर सवाल किया, तो वहीं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र में नेता विपक्ष ने कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि पीएम ने अजीत पवार के सामने शर्त रखी है कि जब तक शरद पवार साथ नहीं आएंगे तब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। पवार साहब के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजीत पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। और इसलिए मैं और कल उद्धव जी हम दोनों बैठकर इस विषय पे हमने चर्चा की। संजय राउत जी कुछ पवार साहब से भी बात करेंगे, पवार साहब ने तो कल स्टेटमेंट कर दिया कि मैं उनके बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तो भी संजय राउत पवार साहब से बात करेंगे। और इस सब बात को मैंने राहुल जी से भी आज सुबह मेरी बात हुई, राहुल जी खुद उद्धव जी से और पवार साहब से भी बात करेंगे और जो संभ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। आपको सीधा जवाब ही दूंगी, मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बड़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग विच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नो। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार, उनका जो कद अवधाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुश्री, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे।